बायजूस दुनिया का मोस्ट वैल्यूबल एडटेक स्टार्टअप। तो यार ऊपर से अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार ये एजुकेशनल वीडियोस ही तो बनाते हैं, वीडियोस बना के ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गए, फाउंडर्स भी बिलियनेयर बन गए, एजुकेशनल वीडियोस तो हम भी बनाते हैं, ऐसी क्या बात है बायजूस के ऐप में कि यार वो इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार बायजूस के पीछे का आइडिया क्या था, उसके पीछे का पर्पस क्या था, क्यों बायजूस शुरू किया गया। उसके बाद मैं आपको उनका बायजूस लर्निंग ऐप यूज़ करके दिखाऊंगा क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, सारा यूज़ करके आपको समझाऊंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि यार ये बायजूस लर्निंग ऐप के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम स्कूल या कोचिंग से कंपेयर करें तो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यार क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करी जा सकती है, और उसके बाद मैं एंड में एक रेटिंग दूंगा डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे कि यार उनकी क्वालिटी कैसी है, वैल्यू फॉर मनी कितना है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, और क्या आपको स्पेसिफिकली बायजूस का लर्निंग ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि यार इसमें आपको एक्चुअल में जो बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट है उसका डिटेल में रिव्यू मिलने वाला है। और अब हम ये जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि यार अभी एक दो महीने पहले मैंने बायजूस के ऊपर एक बहुत डिटेल में केस स्टडी बनाई हुई थी, वो वीडियो जरूर पहले देख लो। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि यार बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी, कैसे गांव के टीचर ने 56,000 करोड़ की कंपनी बना दी, उसके पीछे की क्या स्ट्रगल रही, कैसे उन्होंने मेहनत करके इतने बड़े पोजिशन में पहुंचे, बायजूस का आइडिया कैसे आया, कैसे उन्होंने अपनी इनिशियल टीम बनाई, शुरुआत में क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे ओवरकम किया, क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज लगा के आइडिया को एग्जीक्यूट किया, क्या प्रॉब्लम बायजूस सॉल्व कर रहा है, और बायजूस के क्या USPs हैं, बायजूस के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, सब कुछ डिटेल में आपको उस बिजनेस केस स्टडी में मिल जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, पहले वो वीडियो देखो फिर ये वीडियो देखना। तो अब हम इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यार बायजू रविंद्रन ने बायजूस की शुरुआत अपने स्टूडेंट्स के साथ 2011 में करी थी। अभी उनका वैल्यूएशन 8 बिलियन डॉलर्स यानी 56,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, और अगर आप सेकंड बिगेस्ट एडटेक स्टार्टअप भी ढूंढेंगे ना इंडिया में, उनका वैल्यूएशन 800 मिलियन भी नहीं है। तो ऐसा कुछ तो किया होगा ना बायजूस ने जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ी से इतने बड़ी कंपनी बन गए। तो अगर हम शुरुआत से शुरू करें कि बायजूस क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे का पर्पस क्या था। तो पहले बायजू रविंद्रन एक टीचर थे, वो बच्चों को कैट एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करवाते थे, और धीरे धीरे उनकी क्लासेस पॉपुलर होने लगी, वो स्टेडियम्स में क्लासेस लेने लगे। पर फिर उनको समझ आया कि यार अगर मुझे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालना है ना, मुझे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बायजूस के हिसाब से तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो अपने स्टार्टअप के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। पहला कि यार सारे बच्चों को ना क्वालिटी टीचर्स का एक्सेस नहीं मिलता। हाँ, बड़े बड़े सिटीज़ में अच्छे टीचर्स होंगे, पर जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में, वहाँ पर हर एक बच्चे को अच्छे टीचर्स मिलते नहीं हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि यार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बच्चों को चीज़ें रटवाने में ज़्यादा फोकस करता है, बच्चे एग्जाम्स के डर से पढ़ते हैं, ये नहीं कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा, उस पर्पस के लिए नहीं पढ़ते, और इसलिए वो ध्यान लगा के भी नहीं पढ़ते और उनको पढ़ाई बिल्कुल ही बोरिंग लगती है। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप एक क्लासरूम में पढ़ते हो, सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। अब सारे बच्चे इक्वल तो है नहीं, कोई थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई थोड़े कम इंटेलिजेंट है। ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले बच्चों को ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी चाहिए, कम इंटेलिजेंट वाले बच्चों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, पर क्लास में बिल्कुल भी पर्सनलाइजेशन नहीं करा पाते, सबको एक ही लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका जितना पोटेंशियल होता है उतना वो अचीव नहीं कर पाते, और जिनको थोड़ा पुश चाहिए होता है अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए, उनको हम उतना पुश नहीं दे पाते, तो वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो ये तीन मेन प्रॉब्लम्स बायजूस एड्रेस करता है। आप बोलोगे कैसे एड्रेस करता है। पहली बात तो यार, जब आप वीडियोस देख के पढ़ाई करते हो तो आप विजुअलाइज करना जान जाते हो। सिर्फ ये नहीं कि किताबें पढ़ रहे हो या टीचर्स की बात सुन रहे हो जो आपको बोरिंग लगती हैं, विजुअलाइज जब आप करते हो तो पढ़ाई में मजा आता है, आप एक्टिव लर्नर्स बनते हो ना कि पैसिव लर्नर्स। दूसरा, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को पढ़ाई से काफ़ी रिलेट करते हैं, ये नहीं कि बस थियोरेटिकल आप पढ़े जा रहे हो और बीच बीच में सोच रहे हो भाई ये सब पढ़ने का जिंदगी में कभी काम आएगा कि नहीं, वो रियल लाइफ से काफ़ी कनेक्ट करते हैं, इससे आपकी क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। प्लस क्योंकि वो ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो अच्छे टीचर्स के थ्रू वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मेन पॉइंट है जो बायजूस फोकस करता है, वो है पर्सनलाइज्ड टीचिंग। तो जो क्वेश्चंस आते हैं और जो भी कंटेंट आता है वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आंसर कर दिया तो उससे हायर लेवल का क्वेश्चन आता है, अगर आप वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए उसका सोल्यूशन आता है, और फिर एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अडैप्टिव लर्निंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये मेन पूरा थीसिस है बायजूस का, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब सीधा आते हैं बायजूस के लर्निंग ऐप में और देखते हैं कि यार उनके ऐप में क्या-क्या फीचर्स हैं। तो करते हैं यार 8 बिलियन डॉलर्स के स्टार्टअप बायजूस का प्रीमियम लर्निंग ऐप का रिव्यू। तो मैं पिछले 2-3 दिन से यूज कर रहा हूं, तो लॉगिन है। लॉगिन करना इजी है, मोबाइल नंबर डालो, OTP आ जाएगा, OTP डालो, लॉगिन हो जाएगा। तो मैं लेवल 6 में पहुंच चुका हूं, स्कॉलर बन गया हूं 3 दिन में। तो अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे,
आप देख पाएंगे कि यार लेवल 11th एंड 12th चूज़ किया जो कि अभी फ्री चल रहा है उनका। आप क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक कॉमर्स ये सब तो चूज़ कर ही सकते हैं, और उसके अलावा कैट, IAS, GMAT, GRE ये सब भी है, पर ये जो एग्ज़ाम्स है ये अभी उनका प्रीमियम कोर्सेज फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बैचेस देख सकते हैं जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, और आप देखेंगे ये अपने 11th 12th में जो भी कोर्सेज हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, रिसेंटली लर्न की यार अभी क्या पढ़ाई करी थी लास्ट, और रिविज़न क्या क्या चीज़ें करना है। तो अगर हम मान लो केमिस्ट्री चूज़ करते हैं तो केमिस्ट्री में जो लास्ट पढ़ा था वो वहाँ पर लेके जाएगा, या फिर आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो सिलेक्ट, ये जैसे चैप्टर वाइज है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर वाइज है, या फिर जो उनका पर्सनलाइज्ड पाथ है जो कि काफ़ी मस्त है वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने कोई भी मोल कॉन्सेप्ट चूज़ किया तो यहाँ पर वो अपना लर्निंग पाथ दिखाएंगे कि यार इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज़ मैटर। तो इसमें अपना वीडियो अभी चालू हो जाएगा, तो ये जैसे कि 6 मिनट का वीडियो है, 5 से 10 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, और काफ़ी सही इफ़ेक्ट्स, कलर्स इन सब के साथ दिखाते हैं, एनिमेशन के साथ दिखाते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। ये देखो सारा विजुलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जैसा, तो ये जब आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा आप नेक्स्ट करोगे, तो नेक्स्ट करने के बाद फिर जो इनका पर्सनलाइजेशन जो पाथ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे लेके जाएगा, और वहाँ पर जैसे आपने मैटर के बारे में पढ़ा, तो ऐसे करके आप एक एक करके वीडियो देख सकते हो। जब आपका ये वीडियो ख़त्म हुए यहाँ पर आप नेक्स्ट दबा देना, तो यहाँ पर देखो आप कॉन्सेप्ट अनलॉक हो गया, तो कॉन्सेप्ट अनलॉक हो गया, अब अपने को नेक्स्ट में चले गए, फिर करना है तो नेक्स्ट एक और कर लो, और ये देखो अब अपने को मिल गया बैच। अब बैच ऐसा अपना मिलता नहीं है, टैप करके कलेक्ट करना पड़ता है। अब मैं अनस्टॉपेबल बन गया हूँ, शेयर विद योर फ्रेंड्स, नहीं भाई इतनी पढ़ाई करी नहीं है, और लेवल से अब इसमें स्वाइप अप करके लेवल अप करना है, ये अब अपन बन गए एक्सपर्ट लेवल, और कंटिन्यू लर्निंग कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट नया मटेरियल आ जाएगा तो पर्सनलाइजेशन बात में और नई चीज़ें आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आया तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यार अब मुझे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, ये मैं स्किप नहीं कर सकता, क्वेश्चन के आंसर देना ज़रूरी है। जैसे मैंने सबमिट किया गलत आंसर आया, क्योंकि इसमें जैसे पूरा सोल्यूशन डिटेल में वो समझाते हैं, पूरा सोल्यूशन पूरा डिटेल में समझाते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके करना है भाई, ये तो मैंने केमिस्ट्री दिखा दिया, तो ऐसे करके सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। मॉक्स आपको देने हैं तो मॉक भी दे सकते हो, जैसे जेई मेन का आपने मॉक खोला, मान लो 10-10 क्वेश्चन के मॉक होते हैं, तो ये जैसे 10 क्वेश्चन 20 मिनट पर हम देखना भाई सबको ए करते हैं, फास्टेस्ट अटेम्प्ट होगा और सारे गलत, सबको ए कर देते हैं। बस होने वाला है अपन का, अब हमने सबमिट दबा दिया, और पहले बैच ले लो भैया, रिजल्ट बाद में देखना, टैप टू कलेक्ट बैच। हम पीक परफॉर्मर बन गए और एक्सपर्ट बन गए भाई, शुरुआत लेवल 6 से करी थी, वीडियो दिखाते दिखाते लेवल 7 पहुंच गए। यहाँ पर 4 करेक्ट 6 इनकरेक्ट व्यू सॉल्यूशंस कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो जैसे पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, दूसरे का ये, तो ये टेक्स्ट सॉल्यूशंस है, वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है। सर रेड वाले जो अपने हमने गलत अटेम्प्ट किए उसके सॉल्यूशन कैसे हैं, सारा डिटेल में कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि आप देखते हैं एक्यूरेसी कितना है, स्पीड कितना है, 1 सेकंड में हमने आंसर किया है, और ये एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा है, कितने ईजी क्वेश्चन से, कितने टफ क्वेश्चन से, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, तो ये सारा डिटेल में हम देख सकते हैं। तो ये अपने मॉक्स हो गए, वैसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आप कर सकते हो, CBSE बोर्ड, KVPY, JEE, नीट, कर्नाटका, CET, वो भी कर सकते हो। और उसके अलावा बुक मार्क्स, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पसंद आया या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको बुक मार्क कर सकते हो, और फिर सब्जेक्ट वाइज वो अरेंज हो सकते हैं, पर अपने को सब आता है। उसके बाद बैचेस तो मैंने आपको दिखाई दिए कि हम लेवल 8 पहुँचने ही वाले हैं, ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, ये सब हम जीत चुके हैं कि 5 टेस्ट करने के लिए पीक परफॉर्मर, एफिशिएंसी 60% आया, टेस्ट में एफिशिएंट आया, अनस्टॉपेबल आया, और ये अपकमिंग बैचेस हैं, तो ये फ्यूचर बैचेस अपने, तो ये अपने हो गए। पेरेंट्स कनेक्ट में क्या होगा कि यार पेरेंट का ऐप होगा, उनको ये कोड डालना है, वो फिर आपके स्टैटिस्टिक्स डिटेल में देख सकते हैं कि यार कितने घंटे आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, क्या एक्यूरेसी रही, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, सब कुछ डिटेल में माइक्रो लेवल पर वो देख सकते हैं।
क्विजो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें क्या है कि यार आप क्विज कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। मान लो हमने ज्योग्राफी चूज़ किया, तो हम रैंडम किसी के साथ क्विज करते हैं, अब फ्रेंड किसको लाएं, तो जितने टाइम में वो सिलेक्ट हो रहा है उतने टाइम में वो कूल फैक्ट भी दिखा दे रहे हैं। अब वो बात है कि मिलेगा कि नहीं वो देखने की बात है। मिल गया भाई, कोई सिकाता मिले हैं बाहर इनके, अब देखते हैं भाई। ये तो केरला होगा भैया, ये अपने को आता है, देखते हैं सिकाता सही से आंसर कर पाते हैं कि नहीं। और सिकाता ने गलत आंसर किया, इसका आंसर गलत हो गया यार अपना। क्या ये गोदावरी है? मुझे लग रहा है गोदावरी होगा शायद, देखते हैं सिकाता सही से आंसर कर पाता है कि नहीं। गोदावरी यार, उसने सही से आंसर कर दिया, लेट किया तभी पॉइंट्स कम मिले। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ये तो अपने को पता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट तो पता ही है। क्या सिकाता को पता है? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो गलती कर दी उन्होंने यार। ये नहीं पता मुझे, अपन तुक्का मारते हैं ब्लैकबर्न। अब ये गलत हो गया यार, क्या सिकाता का भी गलत हुआ, डेनाली आंसर था। बोनस राउंड भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है, क्लाउड बर्स्ट। बस अब अपन जीत गए भाई, अब जीत गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा भी आता है, चीज़ें सीखने को भी मिलती है, और जीत गए, शेयर भी कर सकते हो, प्ले अगेन। बस यार आज के लिए बहुत खेल लिया, तो ये हो गया। उसका रिडीम वाउचर, अगर आपके पास कोई वाउचर है डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो, अपने के पास नहीं है। सब्सक्राइब नाउ, यहाँ पर आप कोर्सेज के प्राइस देख सकते हो। 11 12th का जो 2 साल का कोर्स है उसका प्राइस 85,000 है, और जो क्रैश कोर्स है वो 35,000 का है, 2020 तक वैलिड है। ऑफलाइन में वो SD कार्ड देंगे, उसका भी प्राइस सेम ही है 85,000, और क्रैश कोर्स का जैसे कि देख सकते हैं 35,000 का। तो काफ़ी महंगा है, सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा है। इसके अलावा भाई कोलगेट की स्कॉलरशिप भी है। तो इसमें क्या है, अगर आप कोलगेट का 100 ग्राम का पैक खरीदते हो तो उसमें एक कोड मिलेगा जिसमें आपको 30 दिन तक बायजूस का ऐप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इस टाइम पे आप वैसे ही बायजूस का ऐप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, तो अभी यूज़ कर लेना। तो ये है बेसिक ऐप का रिव्यू, काफ़ी मस्त ऐप बनाया है, और यहाँ पर आप कंटिन्यू करके यहाँ रेट कर सकते हो। यहाँ अपना क्विज़ो है, और यहाँ न्यूज़ है बायजूस से रिलेटेड जो भी है। तो ये है अपने बायजूस का ऐप का रिव्यू। अब थोड़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं बायजूस लर्निंग ऐप का। तो रिव्यू तो आपने देख लिया है कि कैसा ऐप चलता है, क्या क्या फीचर्स हैं। पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, और पहला और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यार जो उनके वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एनग्रॉसिंग है, मतलब सही में मज़ा आ रहा था वीडियोज़ देखने में। तो एक चीज़ होती है कि जब अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं तब ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है, पर अच्छे टीचर्स के साथ जब इतने अच्छे वीडियो इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स और इतनी अच्छी स्टोरी के थ्रू वो पढ़ाए ना, तब सही में यार अलग ही मज़ा आ जाता है। इतनी बढ़िया से उन्होंने साउंड इफेक्ट्स और जो एनिमेशन वो सब डिज़ाइन किए, वो सही में यार काफ़ी इफेक्टिव है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बायोलॉजी में ऐसे वो नेमिंग स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो एक एक चीज़ वो डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर रहे थे, और एक एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से लिंक हो रहा था, और वो लिंक वो करके दिखा रहे थे। ऐसे नहीं कि यार आप खुद से विजुलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो और पता चला आपने गलत विजुलाइज़ कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी इफेक्टिव मुझे लगी और काफ़ी मज़ा आया। दूसरा जो बायजूस का एडवांटेज ये है कि यार वो सही में यार लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी मज़ेदार बनाते हैं, वो क्यूरियोसिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स काफ़ी दिखाते हैं। तो वैसे तो यार बुक्स में भी रियल लाइफ एग्जांपल्स से चैप्टर की शुरुआत होती है, पर यार एक बुक एक चैप्टर में 2-3 या 4-5 एग्जांपल्स ही दिखा पाता है। पर इसमें क्योंकि ये 5-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ये लिटरली हर वीडियो में रियल लाइफ एग्जांपल्स लाने की कोशिश करते हैं, और कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लाते हैं, उसको वो वीडियोस एनिमेशंस के थ्रू समझाते हैं। तो उससे यार काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता है, हमको भी लगता है यार यही तो हमारे डाउट थे, यही तो हमारे क्वेश्चन है। तो वो एक्चुअली उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, और फिर वो क्वेश्चन आंसर करते करते आपको ये कॉन्सेप्ट समझा भी देते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो इनका मोस्ट ऑफ द कंटेंट ना, ये उन्होंने खुद लिखा है, खुद कंटेंट डिज़ाइन किया है। ये नहीं कि यार एक पार्ट से कॉपी कर लिया, उधर से कॉपी कर लिया, सिलेबस सेम है पर जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, जो वीडियोज़ है, उसका प्रेजेंटेशन सब कुछ उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है, और काफ़ी एफर्ट लगा के डिज़ाइन करा है। तो वो एफर्ट दिखता है, तो आपको लगता है कि यार आप एक नई चीज़ पढ़ रहे हो। कई बुक्स तो यार दूसरे बुक्स के क्वेश्चन इधर उधर करते रहते हैं, मेन जो चीज़ें हैं वो सेम रखते हैं, पर इन्होंने काफ़ी नई चीज़ें ऐड करी हैं। सिलेबस वही सेम रखा है, पर उसमें अपना जो कंटेंट है, अपना जो पर्सनलाइज टेक्स्ट है, जो नाम हो गया, उसको एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया। चौथा एडवांटेज बायजूस लर्निंग ऐप का ये क्या है, आप जो पढ़ रहे हो ना वो एक पर्सनलाइज तरीके से पढ़ रहे हो। तो या तो आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, अगर आपका वही पढ़ने का मन है, वो ऑप्शन देते हैं,
पर नहीं तो जो उनका लर्निंग ग्राफ है वो काफ़ी पर्सनलाइज्ड है। अगर आप एक चीज़ अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो तो फिर आपका लर्निंग कर्व और वो इम्प्रूव हो जाता है और तेज़ी से बढ़ता है। नहीं तो उन्होंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं कि यार एक एक कॉन्सेप्ट आपको कई बार डिफरेंट तरीके से वो समझाते हैं ताकि हर बच्चा अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़े पर कॉन्सेप्ट सारे बच्चे समझ जाएँ। तो ये जो पर्सनलाइज लर्निंग मेथड है ना, इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है और ये इनके ऐप में इसका रिजल्ट एक्चुअली दिखता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। पांचवा जो एडवांटेज है वो ये कि यार नॉर्मली हर एक जो वीडियो होती है वो 5-10 मिनट की होती है और हर एक वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने ही करने होते हैं, चाहे आप गलत आंसर करें सही पर स्किप नहीं कर सकते। बुक में क्या होता है, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, हम आंसर करते ही नहीं है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, हमको लगता है कि हम जीनियस है यार, हम सब समझ गए। पर इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है और चाहे सही हो या गलत, ये सिर्फ आंसर नहीं देते पर उसका सोल्यूशन भी पूरा डिटेल में देते हैं। तो उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तभी के तभी आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, उससे क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाती है और जो चीज़ें वो आप बिल्कुल बेस से समझते हो। छठा एडवांटेज जो बायजूस लर्निंग ऐप का है वो ये कि यार हर वीडियो हर कॉन्सेप्ट के बाद वो आपको बैचेस देते हैं, चाहे आपने कोई टेस्ट कंप्लीट किया हो, क्विज दिया हो, हर चीज़ के बाद वो नए नए बैचेस देते हैं। तो उससे क्या है ना, आपका मोटिवेशन रहता है और ये बैचेस जो है ना वो आप शेयर भी कर सकते हो सोशल मीडिया पे यार, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि यार आपके दोस्त कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हो, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा। आप भी फोकस करोगे पढ़ाई करने में कि यार मेरे दोस्त ने इतने लेसन्स कर लिए, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो उससे मोटिवेशन भी रहता है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। और इसके अलावा इनके जो साउंड इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट्स पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। ऐसा नहीं कि यार एक ही बोरिंग साउंड इफेक्ट चल रहा है और आप वीडियो के एंड तक सो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साउंड इफेक्ट्स, एनिमेशन, वीडियोस, टेक्स्ट, सब कुछ का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सही में यार मूवी लाइक वीडियोस, गेम लाइक एक्सपीरियंस, ये चीज़ इन्होंने एक्चुअली में इंप्लीमेंट किए। अब थोड़ा डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यार पूरा कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स अच्छे हैं, मोस्ट ऑफ द वीडियोस, एनिमेशंस, इफेक्ट्स सब बढ़िया हैं, पर 100% उन्होंने क्वालिटी मेंटेन नहीं करी है। कुछ टीचर्स एवरेज हैं, कुछ वीडियोस में लगता है कि यार उन्होंने एडिटिंग में उतना काम नहीं किया, उतने एनिमेशंस नहीं बनाए, और एनिमेशंस बनाया जा सकता था और डिफरेंट एग्जांपल से समझाया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है पर मैं बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो उन्होंने बोला है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का कंटेंट है, पर क्योंकि ये इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं ये उनका एम करना चाहिए कि यार 100% जो कंटेंट हो ना वो चाहे टीचर्स के मामले में हो या वीडियो प्रोडक्शन के मामले में हो, सब कुछ 100% क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये कि यार उन्होंने वीडियोस तो सारी बना दी जिसमें कॉन्सेप्ट समझ आता है पर जो क्वेश्चन के आंसर्स है ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट में देते हैं। तो क्योंकि यार इनका फोकस इतना वीडियो में है तो मुझे लगता है कि यार इनको जो आंसर्स है ना वो भी एक ऑप्शन रखना चाहिए वीडियो फॉर्मेट में देखने का। हाँ, टेक्स्ट फॉर्मेट भी सही है आंसर देखने का, पर वीडियो फॉर्मेट में ना आप और बेहतर तरीके से और जल्दी आप सोल्यूशन समझा सकते हो और उसमें भी यार वो बेनिफिट मिलेगा कि यार आप विजुलाइज करके देख सकते हो कि यार एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो सॉल्यूशंस भी जो है ना वो भी उनको वीडियो फॉर्मेट में एक ऑप्शन डालना चाहिए। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यार आप जो इनका जो स्टडी मटेरियल है ना हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं कर सकते, जो उनका जो वेब एक्सपीरियंस है ना वो इतना खास नहीं, उतना पर्सनलाइज नहीं है, तो वो एक डिसएडवांटेज लगा। ऐप पे बहुत बढ़िया चलता है पर वेब पे उतना कंसिस्टेंट नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है। और क्योंकि यार वो इतना फीस चार्ज कर रहे हैं, ये तो सारे प्लेटफॉर्म में बढ़िया चलना चाहिए। जिसको लैपटॉप में देखने का मन हो, डेस्कटॉप में देखने का मन हो, वो डेस्कटॉप पे देखे, जिसको मोबाइल पे देखना हो वो मोबाइल पे देखे। जब आप इतनी फीस चार्ज कर रहे हो ऐसा आप फोर्स थोड़ी कर सकते हो कि यार आपको मोबाइल ऐप पे देखना ज़रूरी है या आप टैबलेट पे देखना ज़रूरी है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ इनको देखना चाहिए कि यार सारे प्लेटफॉर्म्स पे बढ़िया तरीके से चले। और जो चौथा डिसएडवांटेज है वो ये कि यार ये काफ़ी महंगा है, मानना पड़ेगा कि यार कोर्स सही में यार काफ़ी एक्सपेंसिव है, जबकि ऑनलाइन है मोस्ट ऑफ द कोर्स, तब भी इनकी प्राइस जैसे कि आपने देखा 80-85,000 है। क्रैश कोर्स तक की 35,000 फीस है। अगर आप इनका कैट कोचिंग लेते हो वो भी 50,000 के आसपास की है, और अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ली वो खुद आपको 60,000 में मिल जाएगी। तो क्योंकि यार ये ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तो यार इनका ऑफलाइन सेंटर से तो काफ़ी सस्ता होना चाहिए, वो पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि यार अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो उसमें आप एक तो क्लास में जाके सीखते हो और फिर जो आजकल जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं वो ये सारे लेक्चर्स ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, सारे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये जो इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन 60-70,000 में दे पा रहे हैं तो बायजूस सिर्फ ऑनलाइन क्यों 50,000 में दे रहे हैं? उनको एटलीस्ट उसका 50% मतलब 25-30,000 में देना चाहिए ताकि एक्चुअल में कॉस्ट इफेक्टिव लगे। और क्योंकि वो इतने लार्ज स्केल में काम करें तो होपफुली आगे जाके शायद वो अपने कोर्सेज और सस्ते कर पाएँ। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे यार क्या क्या चीज़ें इनको इम्प्रूव करना चाहिए, पहली बात प्राइसिंग तो यार कम करो यार, ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट का ट्यूशन का बजट देखोगे, स्पेशली फॉर ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि
यार इंटरनेट एक्सेस के लिए उसके लिए तो अलग से पैसा देना ही पड़ेगा ना, तो ये प्राइसिंग थोड़ा सस्ता करना चाहिए। दूसरा कि यार इनको दूसरे लैंग्वेजेस में भी एक्सपैंड करना चाहिए, अभी ये वैसे एक्सपैंड कर ही रहे हैं तो जल्दी से एक्सपैंड करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही हो, सारे मेजर लैंग्वेजेस में इनको अपने कोर्स अवेलेबल करना चाहिए। तीसरा कि यार अभी उन्होंने काफ़ी कोर्सेज में मेंटर सपोर्ट अलाउ कर दिया, तो इसमें क्या है कि यार अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट होगा वो आप मेंटर से अपने क्लियर कर सकते हो। तो ये जो मेंटर सपोर्ट वाला जो प्रोग्राम है ये सारे कोर्स में अवेलेबल कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को हमेशा लगे कि यार कोई भी चीज़ अगर हम वीडियो से ना समझ पा रहे हो हम अपने मेंटर से पूछ के ज़रूर ये चीज़ समझ सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपने वीडियोस तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की बना दी, क्या पता बच्चा उसमें भी ना समझ पाए, तो एक ह्यूमन टच चाहे वीडियो कॉल के थ्रू हो उन चीज़ों पे और फोकस करना चाहिए। वैसे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो ये सारे कोर्सेज में उनको अवेलेबल करना चाहिए। अब मेन चीज़ पे आते हैं रेटिंग, कि क्या मैं रेट करूँगा इन कोर्सेज को। तो पहले आते हैं क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर आउट ऑफ 10 आप रेट करने को बोले मैं 7 या 8 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि क्वालिटी मुझे सही में यार काफ़ी पसंद आई। मैंने काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं, काफ़ी वीडियोस देखे हुए हैं, इन्होंने सही में मेहनत करी है, एनिमेशन वीडियोस साउंड इफेक्ट्स और टीचर्स भी काफ़ी सही हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोल दिया, इससे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये कोर्सेज काफ़ी एक्सपेंसिव लगे, तो इसमें मैं रेट करना चाहूँगा 4 या 5। होपफुली जब ये और बड़े स्केल में ऑपरेट करें ये और सस्ते में प्रोवाइड कर पाएंगे, पर अभी के हिसाब से मेरी रेटिंग होगी 4 या 5 out of 10। नेक्स्ट आता है कि यार क्या इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर कर रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में वीडियोस में बोला था कि किन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फोकस कर रहे हैं और कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली वो डिलीवर कर पा रहे हैं। काफ़ी हद तक डिलीवर कर पा रहे हैं, इसमें मैं 6.5 to 7 points दूंगा आउट ऑफ 10। कुछ और पॉइंट्स पे काम करना बाकी है, कंसिस्टेंसी पे और काम करना बाकी है, पर काफ़ी हद तक जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो डिलीवर कर रहे हैं। और अब आता है आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या आपको बायजूस का कोर्स लेना चाहिए और किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखो भाई, बायजूस का कोर्स लो ना लो, पहली बात आपको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, बायजूस स्कूल का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो स्कूल और ये एनसीईआरटी की किताबें ये चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते, तो ये हो गया बेसिक। दूसरी चीज़ जो बायजूस एक्चुअली टारगेट कर रहा है वो की है कि कोचिंग इंडस्ट्री को रिप्लेस करने के लिए, तो क्या ये कोचिंग इंडस्ट्री को रिप्लेस कर पाएगा, तो ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ग्रुप में पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, अगर आपको अच्छे कोचिंग टीचर मिल रहे हैं अच्छे प्राइस पे और आपका पीयर ग्रुप अच्छा है जो कि एक्चुअली पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तो आपको बायजूस से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। पर अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर अच्छे ट्यूशन टीचर्स मिलते नहीं है, या अच्छा आपका पीयर ग्रुप नहीं मिल पा रहा है, या आपको घर पर रह के वीडियोज़ से देख के पढ़ने में मज़ा आता है, आप वीडियोज़ को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हो, तब आपके लिए बायजूस बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो ये एक तो पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा कि आप किस एरिया में रहते हो वहां पर आपकी क्या फैसिलिटीज है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये 2-3 वेरिएबल्स दिमाग में रखे आपको डिसाइड करना है कि यार आपको ये बायजूस कोर्स लेना है कि नहीं, क्योंकि ये सस्ता तो है नहीं, काफी खर्चा लगता है, तो सोच समझ के ये कोर्स लेना है। ये नहीं कोर्स ले लिया और फिर बोलने लगे कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा इसमें भी, मैं समझ नहीं पा रहा, फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि यार बायजूस अपने 11th 12th और ये सारे कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ज़रूर बायजूस का ऐप डाउनलोड करिए और सीरियसली उनके कोर्सेज के थ्रू जाइए, सारे सब्जेक्ट्स में वीडियोस देखिए, कुछ टेस्ट क्विजेस मॉक्स ये सारे अटेम्प्ट करिए, और फिर खुद से पूछिए कि यार आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ी, क्या आप कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझ पा रहे हैं, क्या आप क्वेश्चंस को बेटर तरीके से आंसर कर पा रहे हैं, क्या मॉक्स में आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, और क्या आपको मज़ा आ रहा है एक्चुअली पढ़ने में। तो ये आप खुद से जब पूछेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों ये था बिल्कुल डिटेल में बायजूस लर्निंग ऐप का रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने सही में इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट आप कौन से स्टार्टअप का रिव्यू चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि यार मैं वेदांतु अनअकैडमी टॉपर ईट डॉट फिट बिरयानी बाय किलो फासोस इनमें से किसी का रिव्यू करूं, या आपके मन में कोई और स्टार्टअप है जिसका मैं रिव्यू कर सकता हूं, नीचे कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर भी रिव्यू वीडियो बना दूंगा। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, वहाँ भी जल्दी आकर फॉलो कर लो, वहाँ मैं अलग स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट शेयर करता हूँ, प्लस वहाँ अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो क्योंकि यार वहाँ पे एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे, तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।